गाइस वेलकम बैक टू चैनल यूट्यूब ब्रदर्स द्वार से नई वीडियो लेकर आज के वीडियो में हम जा रहे थे, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, हम आपको लेके गए थे बहुत सारे गुरुद्वारे लेके गए थे और आज हम जा रहे हैं नानक चीरे। तो अभी हम सुबह तैयार हो गए, सारे निकलने वाले हैं, एंट्री गेट पे हैं, सचखंड श्री हजूर साहब से भी हम निकलने वाले हैं। तो अभी देखते हैं आज कितना टाइम लगता है, वैसे तो बहुत दूर है, वो आप बता रहे थे, पर टाइम तो बोर तो होंगे मतलब बैठ के वहाँ पर, इतने दिनों से गाड़ी में ही घूम रहे हैं तो थक जाते हैं बैठे बैठे। और आपको शिरडी वाला हादसा तो पता ही है, 5 घंटे गाड़ी में। तो गए, जब देखते हैं पापा से बात करते हैं, पापा क्या बोलते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, आइए पापा अच्छे होंगे। और आज हम निकल चुके हैं नानक श्री सचखंड हजूर साहब से नानक चीरे के लिए, और अभी हमारी गाड़ियाँ तैयार हैं, हम आगे जाके आपसे मिलते हैं। और तब तक के लिए करो वेट। तो गाइस मैं आपको ऊपर चल के आपको देखते हैं, चलते हैं जल्दी से। ये है पापा, ये है मम्मा, ओ पापा, ये है मम्मा, चले जल्दी से अंदर। तो अभी हम एंटर अंदर कर रहे हैं, तो आपको अंदर देखते हैं। तो भाई मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा अंदर, तो सॉरी। गुरु प्यारे साहब छोटे साहब ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਕੀਰਾ ਸਾਹਿਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਇਹ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਨਕ ਕੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਨੀ ਸਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮੱਥਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀ गुरु साधक जी माघ मदन संग साधुआ करी श्रीरा हर का नाम दयाए सबनानू करना जनम करम मल उतरे मन दे जाए मान काम क्रोध ना मोहिय बिन सह लोक सुआ सचे मार्ग जपिया उस कत काम
जिस नु देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिना मिलया प्रभु आपना नानक तिन सुरमान माँ सुचे से काटिए जिन पूरा गुरु ने माँ सुचे से काटिए जिन पूरा गुरु ने दोस्तों हम अब पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा माता पाह कौर जी पिंड जनवाड़ा बिदर। और हम जब भी आते हैं हम इस गुरुद्वारे में दर्शन जरूर करते हैं और आपको भी हम अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। तो ये देखो बहुत ज़बरदस्त गुरुद्वारा बना है किला टाइप। और यहाँ हमारे साथ भी तकरीबन 50-60 आदमी आए हैं ग्रुप के रूप में। और ये संगत देखो अभी अरदास हो रही है, सभी संगत रुकी हुई है, अभी हम अंदर जाएंगे मत्था टेकने के लिए। और ये बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है सत्संगत। ये इस गुरुद्वारे की बाउंड्री है और ये है मेन दरबार हॉल गुरुद्वारा माता पाह कौर पिंड जनवाड़ा जिला बिदर। तो मिलते हैं आगे। और आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है गाइस। यह है मौसम के और हमारे स्काई में जो बादल होते हैं बारिश वाले, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो कर्नाटका की सड़कों पे और ये कैसे घर बना रखे हैं और सड़कों में एक भी इतने गड्ढे हैं ना, ये नहीं पता चल रहा सड़क सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है। हाँ मेरी आवाज बहुत पसंद आती है। ओ माय गॉड गाड़ी नहीं जा आप क्यों हंस रहे हो इतने पूरी बस। हेलो गाइस, मेरा नाम है शमशेर सिंह रंधावा, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा नाम है रंधावा शमशेर 07। ये रही मेरी शक्ल देखो, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी चावल है। चावल आलू कहाँ है, रोटी खानी है बस। ये पूरी बस बड़ी बड़ी है पीछे से। हेलो तो हम निकल चुके हैं सर एरोप्लेन प्लेन से उतर करके नीचे। और अब नीचे हॉर्स डक कैमल उनके ऊपर भी बैठेंगे बच्चे, उनको भी आपको दिखाते हैं। और मिलते हैं जाके आगे। तो दोस्तों गाइस ये देखो एरोप्लेन गुरुद्वारा साहिब जैदे साहिब की यादगार विच।
ये सचखंड श्री हजूर साहब तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और यहाँ से 100 किलोमीटर गुरुद्वारा नानक चीरा साहब है और वहाँ भी हम जाने वाले हैं, आगे आपको दिखाते हैं। जेब वे कट दी एक एरोप्लेन और ये एरोप्लेन में से उतर के जा रही है संगत गुरुद्वारा नानक चीरा के लिए। और ये है साढ़े भरा बलविंदर सिंह जो कि इस जत्थे को लीड कर रहे हैं। ये स्वभावक भी बहुत अच्छे हैं और हमारे तो एक छोटे भरा के समान ही है। तो गाइज मिलते हैं आगे। पापा और यू भी चढ़ रहे हैं ऊपर, देख लो अपनी दरानी देख लो आज तो उतरते हुए। चलो चलो, चलो गाइस प्लेन तो ये चढ़ रहा है, मैं भी चढ़ता हूँ। ये है हमारे यहाँ दोस्तों ये है एरोप्लेन और ये गुरुद्वारा साहिबजादे के नाम पे स्थापित है। सचखंड श्री हजूर साहब से नानक जीरे को जाते हुए रास्ते में पड़ता है। सचखंड श्री हजूर साहब से ये 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे और यहाँ से 100 किलोमीटर आगे नानक जीरा है। तो ये है डुप्लीकेट एरोप्लेन, हम नीचे से भी आपको दिखाएंगे। ये है चार साहिबजादे जी पिक्चर। तो गाइस ये देखो ये पूरा प्लेन है बहुत बड़ा। वैसे दोस्तों ये रियली प्लेन तो नहीं है पर रियली से कम भी नहीं है क्योंकि ये श्री हजूर साहब से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे और यहाँ से 100 किलोमीटर आगे गुरुद्वारा नानक चीरा साहब है। यहाँ अभी हमने किया है रेस्ट नाश्ता और अब चाय पानी पी के आगे निकलेंगे क्योंकि यहाँ से 100 किलोमीटर तो अभी और नानक चीरा साहब है। तो
तो आपको हम जैसे जैसे जाते रहेंगे तो आपको दिखाते रहेंगे। ऊपर आ चुके हैं जैसे मतलब नीचे से दिखाया था एयरप्लेन तो ऊपर आ गए तो मैं आपको दिखाऊंगा। गाइस ये भी बना रखा है बहुत अच्छा। चलो चल रहे हैं अंदर तो आपको लंगर खा के आपको मिलते हैं। तो गाइस ये है नानक गेट का एंट्री गेट जहाँ से मैं थोड़ा आपको आगे लेके चलता हूँ। तो गाइस ये है नानक किले की बिल्डिंग पूरी वहां तक। और बहुत मतलब एंट्री गेट ये है बहुत चारों तरफ फैला हुआ है। और वो रे पापा हेलो हेलो भाई मुंडे को स्काइप करो यार बंदा बहुत बढ़िया बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है मुंडा सदा। हाँ जी कर दो बोल दो सबको कोई नहीं करता हमारी वीडियो सब करेंगे लाइक यार कैसे नहीं करेंगे। राजा भी हम जा रहे हैं अंदर और इसमें बोला बोला गाइस यहाँ एक सनसनी खबर फैल गई सबके अंदर। गाइस मैं आपको नहीं बता सकता हूँ सीक्रेट है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको लेके आ चुका हूँ जहाँ पर गुरु नानक देव जी के अंगूठे का निशान है पूरा पैर ही है आपको दिखाता हूँ। मैं चल रहा हूँ देखो तो गाइस ओ गाइस तो गाइस तो गाइस ये देखिए गाइस ये देखो यहाँ पर अंगूठा लगाया था बाबू जी ने और यहाँ पानी आ गया था यू इस पर मच्छरी हुई यही है बाबू जी का पवित्र पानी। और ये देखो अंदर का और ये है बाबू जी का पैर मैं मत्था टेकती हूँ यहीं रुको यहीं रुको अरे वही तो आप वो पानी चल उधर ये है वो पानी ये देखो यहाँ पर लोग अपने श्रद्धा से पैसे भी चढ़ाते हैं। पापा भी दूंगा वैसे भी हम जा रहे ऊपर लेना मारेगा हेलो हेलो हाय बाय पता आई नो पता है मुझे। दोस्तों ये देखो गुरुद्वारा नानक चीरा का बोर्ड है और इस पर लिखा है गुरुद्वारा श्री गुरु नानक चीरा साहब बिदर कर्नाटक। सो आज हमारा है लास्ट दिन हम आए थे 10 days को हम 10 days में थे गुरुद्वारा मरवाड़ साहब और 11 को गए थे हम शिरडी साईं मंदिर और उसके बाद गए थे श्री सिग्नापुर्ण और 12 में आए थे हम सचखंड श्री हजूर साहब और 13 में गए थे हम लोकल गुरुद्वारा श्री हजूर साहब और आज 14 days है 14 days में हम आए हैं आज कर्नाटका श्री
बीदर नानकीरा साहब और ये है हर्ष और आज हमारा लास्ट डेट है, कल हमारी रेस्ट है, हम रुकेंगे कल श्री हजूर साहब नादेड़ में और 16 डेज में हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए। सो गाइस आप हमारे लिए प्रेज़ करना कि हम हर साल इसी तरह आपके दर्शन करते रहें, आपके शहर में आते रहें। सो प्लीज़ वीडियो को देख के लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि वीडियो कैसी बनी। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब अभी अजीम मतलब तो जब हम नहा रहे थे सरोवर में तो गाइस वहाँ हमारे नहाते नहाते मतलब बहुत देर हो गई, ज़्यादा देर तो नहीं थी, पर जो मेरे को आप जानते हो वो छोटी बहन जो इंटेलिजेंट बोलता हूँ वो वाली हमारी बहन मतलब खेलते थे ऐसे और उसका खेलते खेलते गाइस प्यार भी सुन गया तो वो नीचे भी गई थी तो फिर मतलब डूबने वाली थी तो उसे बहुत मुश्किल से हमारे पापा का फ्रेंड पहले उन्होंने उसे बचाया और गाइस और वो मतलब पागल सी बाहर आने के बाद और हंस रही है, कह रही मुझे तो मज़ा आ रहा था और हम इतने टेंशन में हैं और गाइस अभी तो वैसे ठीक है वो वहाँ पर खेल रही है आराम से, पर वैसे बहुत डर लग रहा था तब क्या कुछ भी हो सकता था। तो गाइस अभी मैं अभी आपको एक चीज़ बताने आया था, मैं कोई सी बातों में लेके बैठ गया। गाइस मैं बोल रहा था कि हमारे पास जाँच लाते बहुत देर हो गई थी तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पानी में बैठा और मुझे ऐसे ऐसे फील आ रही है, पर गाइस आपको मुझे कॉन्ग्रेट्स करना चाहिए क्योंकि मेरे को स्विमिंग में आ गई, मुझे स्विमिंग नहीं आती तो मुझे स्विमिंग करनी आ गई। तो कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों हम आए हैं कर्नाटक शहर में गुरुद्वारा नानकीरा के शहर में जो ये भाई ये हम आपको आज लास्ट डेट में आप बताना चाहते हैं कि हम हर साल यहाँ आते हैं और हम हर साल यहाँ आते हैं और आप भी हमारे लिए प्रे करना कि हम हर साल यहाँ आते रहें, बाबा जी के दर्शन करते रहें। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे कर रहे हैं। आप मेरे चैनल नए हो तो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आ सके। तो हम आपके शहर को करते हैं, बाय बाय।